हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपरेशन। तो आज ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वोल्केनिज्म के बारे में। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि वोल्केनिज्म होता क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है और इंडिया में कहाँ कहाँ है, और जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है आखिर वहीं क्यों वोल्केनिज्म पाया जाता है। और लास्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर वोल्केनिज्म के लैंडफॉर्म कौन कौन से होते हैं जो वोल्केनिज्म क्रिएट करता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वोल्केनिज्म क्या है। तो वोल्केनिज्म क्या है, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ इरप्शन ऑफ मोल्टेड रॉक दैट इज मैग्मा ऑन टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। समझ में आया, सिंपल एकदम, कि वोल्केनिज्म क्या है। जनरली इट इज अ फिनोमिना, एक फिनोमिना है वो जिसमें कि हमारे जो मोल्टेड रॉक होते हैं ना, वो हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ऊपर सर्फेस तक आते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है वोल्केनिज्म। तो हम बेसिकली अगर सीधी लैंग्वेज में बात करें तो क्या होगा, फ्रॉम क्रिएशन ऑफ मैग्मा टू क्रिएशन ऑफ लैंड फॉर्म। ठीक है, यहाँ से मैग्मा बने, मैग्मा ऊपर आया और फाइनली ये इन्होंने लैंड फॉर्म बनाया। तो इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है वोल्केनिज्म। ठीक है, तो वोल्केनिज्म इज़ नॉट रैंडम, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी वोल्केनिज्म अपने आप ही निकल आता है, ऐसा नहीं है। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न होता है कि आखिर कोई पर्टिकुलर वोल्केनो वहाँ पे कोई लोकेशन पे है तो वहाँ पे क्यों है, वो उसका पर्टिकुलर रीज़न होगा हर वोल्केनो के पीछे। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं कि वोल्केनो कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो तीन मेजर टाइप्स के होते हैं जिसमें हम बोला जाता है उनके इरप्शन के बेस पे अगर उनको डिवाइड करें ना, तो वो तीन टाइप के होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड द एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो कि या तो अपने अभी रिसेंट हिस्ट्री में इरप्ट हुए हों या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखा रहे हों, जैसे कि गैस मान लो धीरे धीरे इमिशन हो रहा हो, ऊपर निकल रहा हो, सेस्मिक एक्टिविटीज़ हो रही है उस वोल्केनो पे, कि मतलब इससे ये पता चल रहा है कि भाई मे बी इन फ्यूचर में हो सके इरप्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्टिव वोल्केनो, या तो पास में हो रखा हो या फिर फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, वो सिम्टम दिखा रहा हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं तो माउंट इटना इन इटली, माउंट स्ट्रोम्बोली इन इटली एंड द किलाउएन इन हवाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोरमेंट वोल्केनो की। तो डोरमेंट वोल्केनो भी एक्टिव वोल्केनो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये अभी तक इरप्ट हुए नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि फ्यूचर में मे भी चांस ये है कि ये इरप्ट हो सकते हैं, मतलब ये पूरी तरह से अभी स्टेबल नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं तो माउंट किलिमंजारो हो गया तंजानिया में, अफ्रीका में। ठीक है, और ये हो गया माउंट फूजी इन जापान। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से अभी शांत नहीं है, मतलब काफ़ी सालों से, चलिए मान लीजिए काफ़ी सालों से नहीं फटा है, लेकिन इस अभी भी जो इसके नीचे की लैंड फॉर्म वो है ना, प्लेट्स है ना, वो कंटिन्यूस हरकत में है, मतलब स्टेबल नहीं है अभी। तो ये ऐसे वोल्केनो को बुलाया जाता है डोरमेंट वोल्केनो। अब बात करते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो की। तो ये वो वोल्केनो होते हैं जो पिछले 10,000 साल से ज़्यादा साल हो गया उनको अभी तक इरप्ट नहीं हुए हैं। देखिए, देख के ही लग रहा है आपको कि पता नहीं कितने हज़ारों साल से इरप्ट नहीं हुआ है ये। और ऐसे वोल्केनो का फ्यूचर में भी इरप्शन का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि उनके अंदर की प्लेट्स का मूवमेंट एकदम शांत हो चुका है। तो अगर एग्जांपल देखा जाए तो हमारा आएगा माउंट बुनियांग इन विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इंडिया में वोल्केनिज्म कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, हमारा इकलौता ऐसा एक्टिव वोल्केनो इंडिया में पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारा बैरन आइलैंड में, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, ये लास्ट क्या हुआ, इस 1991 में लास्ट इसने इरप्शन दिखाया था। और 150 साल से, 1991 से अगर 150 साल पीछे तक देखें ना, तो बिल्कुल भी इरप्शन नहीं हुआ था यहाँ पे। उसके बाद अचानक से 1991 पे आप देखेंगे कि पहले गैसेस निकलना शुरू हुआ, उसके बाद धीरे 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 करके ये इरप्ट हुआ। देखिए, ये नाइट में लिया गया है, तो नाइट में आपको जो मोल्टेड रॉक्स होते हैं ना, वो क्लियरली दिखते हैं, क्योंकि उनका कलर जो होता है और उनके अंदर जो फायर होता है वो क्लियरली विजिबल होता है। लेकिन दिन में आपको क्या दिखेगा, सिर्फ आपको एशेज दिखेगा, डस्ट दिखेगा। ठीक है, तो और इवन पता है, ये पूरे साउथ एशिया में इकलौता ऐसा वोल्केनो है जो एक्टिव वोल्केनो की श्रेणी में आता है, अपना ये बैरन आइलैंड वाला। ठीक है, इंडिया में टोटल 6 वोल्केनो हैं जिसमें सिर्फ यही इकलौता है जो एक्टिव है, बाकी सब के सब शांत हैं। और उनमें एक तो मड वोल्केनो है, मैं अभी आपको बताता हूँ इंडिया के 6 वोल्केनो। देखिए, सबसे पहले आ गया हमारा बैरन आइलैंड, जो कि अभी मैंने बताया आपको एक्टिव वोल्केनो है, ये है हमारा अंडमान आइलैंड में। दूसरा आ गया नारकुंडम आइलैंड, नारकुंडम वोल्केनो। तो इसका क्या है, ये भी अंडमान में है, लेकिन ये डोरमेंट अभी श्रेणी में है, मतलब काफ़ी सालों से इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन मे भी चांसेस है फ्यूचर में इरप्ट हो सकता है।
नेक्स्ट है हमारा डेक्कन ट्रैप, जो जानते हैं हम पूरे महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये हुआ था 66 मिलियन ईयर्स एगो, जब हमारी जो ये इंडिया है ना, जब ये यूनियन जो है, रीयूनियन है, एक जगह जहाँ पे हॉटस्पॉट है, जब वहाँ से गुजरा इंडिया, तो रीयूनियन हॉटस्पॉट है, तो उसके अंदर का पूरा पूरा मैग्मा आके हमारे क्रस्ट के अंदर पूरा ट्रैप हो गया, तो उसको बोला था डेक्कन ट्रैप। मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। अगला क्या है, चौथा हमारा भारतंग आइलैंड, ये भी हमारे क्या है, इकलौता मड वॉल्केनो है इंडिया में। मड मतलब उसमें आप जाएंगे ना, आप देखने के लिए तो आपको दिखेगा कि नीचे से हल्का हल्का मड आपको दिखेगा, मतलब एकदम ताज़ा मड निकलता रहता है नीचे। ये भी अंडमान आइलैंड में है। उसके बाद आपका गुजरात में है एक दिनोदर हिल्स पे, ठीक है। दौसी हिल्स, अरावली जो हमारी रेंजेस है ना, उस पर एक्सटिंग हो चुके हैं दो वॉल्केनो, एक तो तौशम हिल पे है हरियाणा में ही, एक है दौसी हिल हरियाणा में, ठीक है। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इरप्शन। इरप्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा इफ्यूजिव इरप्शन, एक होता है हमारा एक्सप्लोजिव इरप्शन। तो इफ्यूजिव इरप्शन में क्या होता है कि जो मैग्मा अंदर से निकलता है ना, वो लेस विस्कस होता है। लेस विस्कस मतलब काफ़ी रनी टाइप का होता है, जैसे ऊपर आता है और तुरंत बह जाता है वो पूरा पूरा। इवन गैसेस निकलती हैं वो इजीली एस्केप होकर पूरा एनवायरनमेंट में चली जाती हैं, तो इसमें कोई भी मतलब ऐसा प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाता है। अब इसमें क्या होता है, एक्सप्लोजिव वोल्केनो में क्या होता है, देखिए यहाँ से मैग्मा आता है, लेकिन ये मैग्मा क्या होता है, मोर विस्कस टाइप का होता है, ठीक है। तो मोर विस्कस होता है, तो ऊपर आने के बाद ये फैलता नहीं है, ऊपर आके धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है, और एंडेसाइटिक होने के कारण वो ये धीरे धीरे करके ब्लॉक करने लगता है आगे के जो वेंट का जो ऊपर वाला छेद होता है ना, इसको ब्लॉक कर देता है धीरे धीरे। और फिर साथ ही साथ जो नीचे से एयर वगैरह आ रही हैं, ये फिर यहाँ पे क्या है, प्रेशर क्रिएट करने लगती है इस पूरे एरिया में। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि ये ऊपर जो वेंट बंद हो गया था ना, इसको फोड़ते हुए बहुत ही तेज विस्फोट के साथ ये पूरी गैसेस और अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है। तो ये होता है एक्सप्लोजिव वोल्केनोस। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल ऑफ इफ्यूजिव इरप्शन। देखिए यहाँ पे हमारा मैग्मा बाहर आ रहा है, और देखिए कितना इजीली फ्लो हो जा रहा है, रनी है ना, रनी टाइप का एकदम निकलते ही फ्लो हो जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज का टाइम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हो, तो लोग आराम से उसके पास भी जा सकते हैं। लेकिन वही अगर एंडेसाइटिक होता तो, एक्सप्लोजिव होता तो कई किलोमीटर तक के गांव खाली कराने की नौबत आ जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा एशेज और इतना ज़्यादा डस्ट निकलता है, और मैग्मा इतनी दूर तक फैलता है ना, कि काफ़ी नुकसान करता है वो। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिज्म। तो सबसे फेमस जो जगह है ना डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा। तो ये क्या है, एक पूरे रिंग की तरह है, और चारों तरफ वॉल्केनो है, मतलब जहाँ आप देखेंगे ना वहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी पाई जाएगी। तो ये बेसिकली क्यों होती है, देखिए ये दो रीजन की वजह से होती है, एक तो हमारा ओशन कन्वर्जेंस जो इस पूरे एरिया में हो रहा है, और एक ओशन कंटिनेंट कन्वर्जन जो हमारे यहाँ और यहाँ हो रहा है, और कुछ पार्ट्स में यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखिए ओशन और ओशन कन्वर्जेंस, ये हमारी जो पैसिफिक प्लेट इधर मूव कर रही है, और ये हमारी यूरेशिया प्लेट का आगे वाला ओशनिक पार्ट, यहाँ भी छोटी छोटी प्लेट्स हैं बहुत सारी, तो ये इधर मूव कर रही है, तो यहाँ पूरा ट्रेंचेस बन रहा है, और ये बहुत एक्टिव ट्रेंचेस हैं, मतलब यहाँ पे अभी भी सबडक्शन हो रहा है, और काफ़ी सारे वॉल्केनो यहाँ से इरप्ट होते हैं। आपने जापान में काफ़ी सारे सुने होंगे नाम, फिलीपींस में सुने होंगे काफ़ी सारे वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। और इस तरफ देखें, इस तरफ बात करें तो देखिए ये छोटी सी प्लेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ मूव कर रही है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका प्लेट, ये हमारा साउथ अमेरिका प्लेट इस तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो एंडीज है, इसमें आपको दिखेगा एक दो जगह वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, और यहाँ पे हमारी रॉकीज़ में दिखेगा। जो दूसरी जगह है वो है हमारी मिड ओशनिक रिजेस, जो हर ओशन में काफ़ी सारे रिजेस हैं। सबसे फेमस कौन सी है, अटलांटिक रिज, देखा है ना, मिड अटलांटिक रिज। तो वहाँ पे रिज के अंदर होता क्या है कि जो ओशन होता है, ये ओशन दोनों इस तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। यहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है, और यहाँ पे हमारा इरप्ट हो रहा है, मतलब ये इरप्शन काफ़ी स्लो होता है, इसलिए बहुत रिजेस फॉर्म होता है, छोटी छोटी हाइट्स के माउंटेंस टाइप के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओशन कन्वर्जेंस में। यहाँ से हमारा जो इरप्शन होता है वो होता है हमारा बेसाल्टिक इरप्शन, इसीलिए बहुत पीसफुल होता है, और एंडेसाइटिक अगर होता तो बहुत ही एक्सप्लोजिव होता, ये याद रखिएगा, बेसाल्टिक इरप्शन और एंडेसाइटिक इरप्शन, ठीक है। अब अगला जो लोकेशन है वो है हमारा मेडिटेरियन सी रीजन। मेडिटेरियन सी रीजन कहाँ पे है, देखिए जो मेडिटेरियन सी है ना, वहाँ बहुत सारे छोटे 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 प्लेट्स हैं, नाम तो नहीं दिया गया उनको, लेकिन हुआ क्या था, जब हमारा अफ्रीकन प्लेट और यूरेशिया का जो प्लेट है जब टकराया है ना, तो काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लेट्स यहाँ पे ब्रेक हो गए थे। तो ये क्या है, एक दूसरे के नीचे जा रहे हैं, और इरप्शन हो रहा है वॉल्केनिक बहुत जगह, जैसे कि आपको इटली में दिख जाएगा, माउंट इटना दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इरप्शन होंगे वो होंगे हमारे एंडेसाइटिक इरप्शन, क्यों, क्योंकि एक प्लेट जा रहा है ना नीचे, मतलब प्लेट क्या था हमारा, ओशन प्लेट था बेसाल्टिक, अब वो नीचे जाके गल के ऊपर आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, एंडेसाइटिक इरप्शन। और यहाँ पे फ्रीक्वेंट इरप्शन है, क्योंकि बहुत सारे प्लेट्स हैं एक दूसरे के नीचे जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने बताया था आपको, माउंट इटना हो गया, माउंट वेजुवियस हो गया, ठीक है।
अब चलते हैं चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है, जहाँ जहाँ हॉट स्पॉट पाया जाता है वहाँ पर। अब हॉट स्पॉट क्या होता है? देखिए, हॉट स्पॉट के लिए किसी पर्टिकुलर दो प्लेट्स को, किसी एक को सब्डक्ट होने की ज़रूरत नहीं है वोल्केनो आने के लिए। वो क्या है, नॉर्मल एक प्लेट होगा ना, उसके बीच में भी कहीं एक वेंट टाइप का छेद होगा, वहाँ से आपका जो मैग्मा होगा, जो कि काफ़ी इंटीरियर ऑफ अर्थ से आता है। जो नॉर्मल हमारे सबडक्शन होता है ना, ये तो अपर पार्ट ऑफ एस्थेनोस्फेयर से ही गल के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ये जो हॉट स्पॉट में जो हमारा मैग्मा आता है, वो काफ़ी इंटीरियर से आता है, मतलब एस्थेनोस्फेयर से भी काफ़ी नीचे से आता है। जो मेंटल हमारा पोर्शन होता है ना, उसके डीपेस्ट लेयर से आता है। तो देखिए, इसको एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, सपोज ये प्लेट है हमारा कोई, ठीक है, ये हमारा है हॉट स्पॉट पॉइंट। अब यहाँ से मैग्मा आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पे जब मैग्मा बाहर आएगा, तो धीरे धीरे करके ये एक माउंटेन टाइप बनाएगा। उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया। अब सेम पोर्शन ये एक्सपोज जो हुआ है, फिर यहाँ पे फिर से माउंटेन बनना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करते करते ये इधर से मूव करता जाएगा और ये माउंटेन चेन बनती जाएगी। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको मिलेगा हवाईयन आइलैंड में। देखिए, ये पहले यहाँ पे हवाईयन, यहाँ पे हॉट स्पॉट है, ठीक है, यहाँ पे पहले आपका एक माउंटेन बना, ठीक है, कुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया। उसके बाद फिर बना हमारा ओआउ, उसके बाद बना, जैसे ये है ना, पहले ये वाला यहाँ था, उसके बाद ये प्लेट इधर शिफ्ट हो गई, फिर ये वाला बना इधर, फिर प्लेट इधर शिफ्ट हो गई, फिर ये वाला बना इधर, फिर ये इधर शिफ्ट हो गई। तो ऐसे करके देखिए, पूरी प्रॉपर चेन बन गई है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये प्रॉपर पूरा मतलब एक चेन बन गया है ना, जैसे ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ से बैठ। तो यहाँ पे हम एक बार ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारा वॉल्केनो फॉर्म होता है। देखिए, जहाँ पे ये प्लेट सबडक्ट होगी ओशन वाली, तो यहाँ पे हमारे वॉल्केनिक आर्क्स बनना शुरू हो जाएंगे, पूरा वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ये हमारा हॉटस्पॉट होगा, वहाँ पे हमारे वॉल्केनिक आर्क बनेगा माउंटेन्स टाइप का, ठीक है। एक हमारा ये बनेगा हमारा मिड ओशनिक रिज में, जहाँ पे दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हूँ, तो यहाँ पे ये प्लेट्स मूव करेंगे और यहाँ से बाहर आएगा मैग्मा और फिर यहाँ पे क्रस्ट बनाएगा। तो एक ये हो गया हमारा वॉल्केनिक, ठीक है, ये काफ़ी साइलेंट होता है। इवन आपका हवाईयन वाला भी नॉर्मल होता है, मतलब उतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता, लेकिन ये वाले बहुत विस्फोटक तौर पे आते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी बेसाल्टिक आ रहा है, एक तरह से देखा जाए तो अंदर से आ रहा है, यहाँ भी बेसाल्टिक निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एंडीसाइटिक है। तो एंडीसाइटिक जो होगा, वो बहुत ही विस्फोट के साथ इस माउंटेन्स के ऊपर से निकलेगा, ठीक है। तो एक बार हम कंपैरिजन देखते हैं बेसाल्टिक और एंडेसाइटिक का। ये कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछ लेता है कि वो उसके डिफरेंस लिखिए बेसाल्टिक इरप्शन और एंडेसाइटिक इरप्शन में। तो देखिए, बेसाल्टिक इरप्शन मैंने आपको बताया, ये कहाँ कहाँ होता है, एक तो मिड ओशनिक रिज में आएगा और एक हॉट स्पॉट में आएगा, ठीक है। और एंडेसाइटिक कहाँ आएगा अपना, जहाँ पर एक ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो रही हो। मतलब एंडेसाइटिक इरप्शन के लिए ये जरूरी है कि जो ओशनिक प्लेट होती है ना, ये क्या होती है, किसकी बनी होती है, बेसाल्ट की। तो जब ये गल के जब कन्वर्ट होगी ना, तब एंडेसाइट में कन्वर्ट होगी। और जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से निकलता है, जो ओलिवाइन रॉक्स होती हैं, वो जब आके ऊपर जमती है ना, वो कन्वर्ट होती है हमारी बेसाल्टिक उसमें, ठीक है। तो बेसाल्ट जो होगा वो क्या है, हाईली फ्लूड होगा, मतलब विस्कोसिटी बहुत कम होगी, तो जैसे ही निकलेगा तुरंत स्प्रेड हो जाएगा। तो इवन आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ बेसाल्टिक इरप्शन है ना, वहाँ वहाँ टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो रखा है, क्योंकि यहाँ से सिंपल लावा एकदम पानी की तरफ फ्लो करता है। तो आप ईजिली जाके देखिए, ये मैडम जा रखी है, यहाँ पर फोटो ले रही है, तो वही अगर एंडीसाइटिक में होता ना, तो इसके तो कई किलोमीटर स्क्वायर एरिया को पूरा इवैक्यूएट करना पड़ता है, इसके आसपास की तो जो बंदा रहेगा उसकी तो क्या हालत होगी, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये क्वाइट इरप्शन होता है, मतलब यहाँ पे इरप्शन होगा लेकिन उतनी आवाज़ नहीं आती, बहुत स्लो स्लो आवाज़ आती है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आवाज़ में ही मतलब ऐसा लगे आपको कि कहाँ क्या फट गया है, बहुत ही तेज़ आवाज़ के साथ ये विस्फोट होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। इसका भी सीधे सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो देखिए, लैंडफॉर्म्स जो वॉल्केनिक होता है, वो दो टाइप्स बनता है, एक तो इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव, ठीक है। तो इंट्रूसिव में क्या क्या होगा अपना, सिल्स, डाइक्स वगैरह जो जितने होते हैं, पैथोलिथ, जितने भी लिथ्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे इंट्रूसिव में आता है। अब एक्सट्रूसिव में क्या होगा, एक तो हमारा वॉल्केनिक प्लेटू और वॉल्केनिक कोन्स। अब वॉल्केनिक कोन्स भी तीन तरह के होते हैं, शील्ड वॉल्केनो, सिंडर वॉल्केनो और द कंपोजिट वॉल्केनो। एक एक करके मैं सबके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म पे। तो देखिए, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के एग्जांपल्स हैं सिल, डाइक, लैपोलिथ, फैकोलिथ, लैकोलिथ और बैथोलिथ। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो सेल होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल जब स्प्रेड हो जाता है, सपोज यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन कुछ छेद और क्रैक्स के रास्ते वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो जाता है, तो उसको बोला जाता है सेल। तो सेल की डेफिनेशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन ऑफ मैग्मा। अब चलते हैं डाइक की तरफ।
डाइक क्या होता है आपका, जब क्रैक वर्टिकल होता है या फिर किसी एंगल पे होता है तो उसमें मैग्मा जाके भर जाता है पूरा, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको कहते हैं डाइक। तो डाइक की डेफिनेशन क्या होगी, वर्टिकल ऑफ डिपोजिशन ऑफ मैग्मा, वर्टिकल डिपोजिशन ऑफ मैग्मा हो गया डाइक। अब बात करते हैं हम आपका लैपोलिथ। तो लैपोलिथ कैसा होता है, देखिए वो होता है सॉसर शेप, यहाँ होगा और ऐसे करके ये जो होता है ना ये इस टाइप का, इसमें जाके घुस के मैग्मा एक सॉसर शेप टाइप में पूरा भर जाता है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं हम लैपोलिथ। तो इसका क्या हो जाएगा, सॉसर शेप डिपोजिशन ऑफ मैग्मा। ऐसी फैकोलिथ क्या हो जाएगा, वेव लाइक। वेव लाइक मतलब क्या होगा, एक सेकेंड देखिए, इस तरह से पूरा मैग्मा भर जाएगा, तो इसको कहते हैं हम लैपोलिथ, ठीक है, सॉरी फैकोलिथ। जो शेप उसका वेव टाइप होगा वो फैकोलिथ, और लैपोलिथ में हमारा क्या था, सॉसर शेप। अब चलते हैं हम लैकोलिथ और बैथोलिथ में। देखो तो लैकोलिथ में क्या होता है, मशरूम शेप का जब ट्रैप हो जाता है मैग्मा तो उसको कहते हैं लैकोलिथ। और बैथोलिथ क्या होता है कि जब ह्यूज अमाउंट में एक डोमल शेप टाइप का जब स्ट्रक्चर बनता है ना, मतलब एक तरह से कोर ऑफ द माउंटेन की बात करें, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में जब मैग्मा ट्रैप हो जाता है अंदर डोम शेप का, तो उसको कहते हैं हम बैथोलिथ। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लेता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के एग्जाम्पल्स। तो अब चलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में। तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में सबसे पहला आता है अपना लावा प्लेटू। तो लावा प्लेटू में सबसे फेमस एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमारा डिक्कन ट्रैप। तो अब डिक्कन ट्रैप कैसे बना, देखिए जब मैंने बताया था कि हमारा जो ये था इंडिया था वो अफ्रीका से होता हुआ यहाँ से मूव करते हुए जाके यूरेशिया टकराया था, तो यहाँ पे एक रीयूनियन नाम की एक हॉटस्पॉट जगह है ये रहा, ठीक है। तो इस रीयूनियन से जब हमारा अर्थ ये सॉरी हम हमारा इंडिया पास हुआ ना, तो जब इसके ऊपर पहुंचा तो यहाँ रीयूनियन से हमारा निकला मैग्मा, बहुत सारा बेसाल्टिक मैग्मा। तो इसने क्या किया, इस पूरे एरिया को फिल कर दिया, मतलब काफ़ी फिल कर दिया, और प्रेशर के कारण ये पूरा पूरा एरिया आप देखेंगे प्लेटू के रूप में, मतलब थोड़ा सा उठ गया है अंदर, पूरा का पूरा अपना बेसाल्टिक लावा भर गया है यहाँ पे। उसके बाद फिर इंडिया मूव कर गया और जाके यहाँ टकरा गया। तो आज भी हम देखते हैं कि ये रीयूनियन पे जब निकला था ये इंडिया, तो उसका पूरा पूरा बेसाल्टिक लावा इसके डिक्कन एरियाज में होगा, जो कि हमारा कुछ पोर्शन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, इन सब एरियाज में है, ठीक है। तो कुछ वर्ल्ड में फेमस लावा प्लेटू देख लेते हैं। देखिए कटंगा प्लेटू ये रहा, ठीक है, कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया स्नेक, उसके बाद आ गया आपका किम्बरले प्लेटू, डेक्कन हमारा है ये, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटू हैं वर्ल्ड में। तो अब बात करते हैं कोन वेल्कनों की। तो कोन वेल्कनों में सबसे पहला आता है हमारा शील्ड वोल्केनो, जिसको डोम वोल्केनो भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब हमारी हॉटस्पॉट एक्टिविटी ओशन के नीचे होती है तो जैसे ही इसके ऊपर मैग्मा आएगा, जो कि बेसाल्टिक है, तो आते ही सीधा स्प्रेड हो जाएगा वो, क्योंकि फ्लूडिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। देखिए यहाँ पर निकलते ही स्प्रेड हो जाता है, तो एक के बाद एक जैसे निकलता जाएगा समय के साथ साथ स्प्रेड होता जाएगा। तो एक हल्की हाइट के बाद एक आपको मिलेगा कि बहुत एक हल्का सा डोम टाइप का, लेकिन बहुत ही जेंटल स्लोप के साथ इसने एक लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है, जिसको बोला जाता है शील्ड वोल्केनो लैंडफॉर्म, जिसकी जेंटल स्लोप होती है, ठीक है, और वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत क्वाइट होती है, मतलब कोई शोर शराबा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे वॉल्केनोस ऑफ हवाईयन, ठीक है। अब चलते हैं सिंडा वोल्केनो में। सिंडा वोल्केनो में क्या होता है, जब ओशन और कंटिनेंट का कोलिजन होता है तो ओशन प्लेट सब्डक्ट हो गई, आपको पता है, तो यहाँ पे जो ओशन की बेसाल्टिक प्लेट है वो यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद ऊपर की तरफ आएगी और फिर यहाँ से निकलेगी वो आपका ये क्या कहते हैं वोल्केनो के रास्ते। तो लेकिन इसमें होता क्या है कि मैग्मा जो होता है ना वो उसके साथ साथ एशेस और डस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो मैग्मा की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि चूंकि मैग्मा इसका एंडेसाइटिक है तो ऊपर जाके ये जम जाता है पूरा, ठीक है, और जितने भी डस्ट और एश निकलते हैं वो भी जमाते हुए पूरा चलता है। तो आपको इस तरह का लैंडफॉर्म दिखेगा कि इसमें डस्ट और एशेस बहुत ज़्यादा होता है और मैग्मा कम होता है, इसलिए मैग्मा एक तरह से खाली सीमेंट का काम करता है इनको जोड़ने में, ठीक है। तो क्या क्या बताया, लेस फ्लूड होता है क्योंकि एंडेसाइटिक होता है, ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लोड वायलेंटली, जाहिर सी बात है एंडेसाइटिक होगा तो वायलेंटली एक्सप्लोड करेगा ही करेगा। विस्कस लावा सॉलिड पर एट शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, लेस हाइट होता है इसका, लेस हाइट इन सेंस ऑफ अगर कंपोजिट की बात करें, लेकिन अगर शील्ड की बात करें तो शील्ड से ये ज़्यादा हाइट के होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर माउंट पेरिक्यूट इन मैक्सिको। अब बात करते हैं कंपोजिट वॉल्केनो की। तो कंपोजिट वॉल्केनो में क्या होता है कि पूरा वॉल्केनिक माउंटेन टाइप का फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है, हर एक लेयर के बाद एक ऐश की लेयर आती है, डस्ट और ऐश, फिर एक उसकी लावा की मैग्मा की लेयर आती है, तो एक के बाद एक कंटिन्यूस लेयर आती रहती है। तो आपको दिखता है कि एक बहुत ही बड़ा वॉल्केनिक लैंडफॉर्म टाइप का क्रिएट होगा, जिसको बोला जाता है कंपोजिट लैंडफॉर्म, ठीक है।
इसके एग्जांपल है माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट वेसुवियस, माउंट फूजी, वहाँ पे आपको इस तरह के कंपोजिट वोल्केनो दिखेगा। ये भी बहुत ही ह्यूजली इरप्ट होता है क्योंकि ये भी एंडिसाइटिक होता है। देखिए एग्जांपल के तौर पे तीनों एक बार, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट डिटेल अबाउट वोल्केनो। आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।